हेलो दोस्तों, मैं किशन सारीवान आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आया था अपने गांव के, एक सोन नदी बहता है वहीं पास से, और जो पानी है वो उसका धार जो है वो भी कम हो चुका है। और हम लोग इधर आए थे, इधर पे मंदिर वगैरह, तो वो सारे चीज़ देखते हैं भाई। बिही तो गजब फल है यार। तो हम लोग उधर से आ रहे थे तो देखिए यहाँ पे भी बिही का बहुत ज़्यादा ही फला वाला पेड़ है। और ये जो आपको बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे ही यहाँ का मंदिर जो शिव घाट है उसको स्थापित किया गया है, और वहीं पे चलते हैं देखने के लिए और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू यहाँ से दिखाई देता है। हाय हाय गजब। तो ये एक बरगद का पेड़ है। अक्सर करके हम लोग लाइकू और मैं यहीं पे घूमने के लिए आया करते थे पैदल पैदल, और वैसे आज भी घूमने के लिए हम लोग इधर पे आ गए हैं। तो आपको दिखाते हैं मंदिर का जो सीन है वो, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे है शिवलिंग, और एक यहाँ पे हवन कुंड जैसे बनाया गया, कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और सच में बताऊँ तो इधर का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है, क्योंकि हल्का धूप आ रहा है उसकी वजह से। और यह है एक बहुत पुराना मंदिर है, करीबन 10-15 साल से ज़्यादा हो गया यार इधर पे। और यहाँ पे मेला भी लगा करता है माघी पूर्णिमा के दिन। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है, और लेकिन ये वाला जो ताला है वो बंद है यार, कुल मिला के जो गेट है वो बंद है, इसकी वजह से अंदर तो नहीं जा सकते। नहीं तो अंदर का भी सीन है जो आपको दिखाते, बहुत ही बढ़िया। तो ये मंदिर के चारों की तरफ मैं आपको घूमकर दिखाता हूँ। तो इसके जो चारों तरफ आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल है। और इधर पे बिही का पेड़ है जिस पे लाइक कुछ चढ़ा हुआ है अभी, और लक्की उधर पे है, और आप देखोगे कि बिही बहुत ही ज़्यादा फला हुआ है यार, बहुत अच्छा लगा। और आम का भी पेड़ है इधर पे, और वहीं एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कहा जाए तो यहाँ पे मूर्ति बना है, मंदिर बना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो दोस्तों इस जगह के बारे में मैं बताता हूँ कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे मेला वगैरह भी लगा करता है। वो शायद मकर संक्रांति या माघी पूर्णिमा के दिन लगता है, शायद वो मकर संक्रांति के दिन लगा करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मेला लगा करता है यहाँ पे। और हम लोग क्या होता था कि मेरे घर से करीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये सोन घाट, और जिस जहाँ से अमेरा के लिए जाते हैं, बरटोला के लिए जाते हैं, इधर जाने के लिए रहे। और यहाँ का जो सीन है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब भी हम लोग लेकू के साथ मिलते हैं, मतलब मेरा दोस्त है उससे भी आपको मिलाऊँगा, और उसके साथ जब भी हम लोग टाइम मिलता था कहीं घूमने के लिए जाने के लिए, तो कहीं दूर ना जाकर हम लोग इधर ही आते हैं, क्योंकि इधर आने पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम तक हम लोग घूमते रहते हैं यहाँ पे, और बिही वगैरह का पेड़ भी है तो हम लोग बिही वगैरह भी खाते रहते हैं। और इधर का सीन है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, और किस दिन मेला लगता है, मकर संक्रांति का ना, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला लगता है पूरा लक्की, यही भाई बताया है। तो ठीक है, और कुछ दिखाते हैं, कुछ नया चीज़ दिखाई देता है। तो लक्की को देखने को मिला है मशरूम, ये देसी मशरूम है भाई, पता नहीं कौन सा मशरूम है यहाँ पे, एक मशरूम भी है यहाँ पे। अरे बहुत बहुत गजब लग रहा है, देखना यहाँ पे भी है, लेकिन ये सारे ख़राब हो चुके हैं, कीड़े लग चुके हैं उसके, इसमें पूरे कीड़े लग चुके हैं, मतलब ख़राब कंडीशन में है। और एक लक्की चढ़ गया ऊपर, कौन सा तोड़ रहा है, हिलाना हिलाना, गिर जाएगा नीचे। अरे गिर जाए भाई। अब सही चीज मिले यार लाइकू,
तो यहाँ पे एक चबूतरा जैसे भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर साल रामायण भी हुआ करता है। उस दिन जिस दिन यहाँ पे मेला लगा करता है, उस दिन 24 घंटे यहाँ पे बाजा गाजा के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइप से यहाँ पास का नज़ारा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे रामायण का भी आयोजन किया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है यार उस टाइम का। तो इधर का जो नज़ारा है कुछ ऐसा ही है। और एक मंदिर है वहाँ पे, आप देख सकते हैं, वही मंदिर है जिसको शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। और शिव मंदिर जो शिवलिंग है वहाँ पे स्थापित किया गया है, और यहाँ पे पूरा मेला लगा करता है, वो वहाँ तक लगा करता है, बहुत दूर तक लगा करता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ से जो नज़ारा है वो देखने को मिलता है। यार अभी हम लोग राकेश के साथ आए थे, हुए थे उसके घर, गया उसके घर से बोला कि चल चलते हैं नदी की तरफ, और नदी गए तो हमने सोचा कि चल शिव मंदिर क्यों ना घूम के आया जाए। तो साथ ही साथ हम लोग ने शिव शिव जो मंदिर है वो घूमे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सही चीज़ है यहाँ का भी घूमने का नज़ारा। और इधर आप देखोगे जो इधर का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है यार, क्योंकि उधर का जो धूप है वो सीधे सनलाइट है जो पड़ रहा है, तो उसकी वजह से गजब लग रहा था। तो उधर भी हम लोग ने देखे, और उधर आप देखोगे कि जंगल जैसे बना हुआ है। कुछ साल पहले उधर जंगल वाला कुछ नहीं था, और उसके बाद क्या हुआ कि जो प्लांटेशन वाला जो स्कीम आता है उसके थ्रू यहाँ पे प्लांटेशन किया गया, और किसानों को हायर किया गया कि तुम लोग अच्छे अच्छे पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, जैसे सागौन हो गया, टीक हो गया, और भी कुछ कुछ जो कहा जाए तो उसका कीमत जो काफ़ी ज़्यादा रहता है उसको लगाने के लिए बोले। तो काफ़ी सारे लोगों ने लगाया, और बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे भाई, क्योंकि कटवाना तो नहीं चाहिए, ये चीज़ लगा कि सही करना की है, पर पता नहीं इन फ्यूचर क्या होता है, अब तो हम लोग तो नहीं जानते। अब इधर आएंगे कभी तो वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है देखने में बहुत ही ज़्यादा गजब लगा। तो इधर का मैं 360 व्यू दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखोगे इधर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियो में लाते रहता हूँ यार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वही है जो किस्मत में रहता है ना, वही मिलता है, जो किस्मत में नहीं रहता चीज़ नहीं मिलता। लेकिन फूटा गजब था ना, खराब हो गया ना। चल कोई बात नहीं।